गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। बट इन टुडे इंग्लिश क्लास, इन टुडेज इंग्लिश क्लास वी हैव टू डू एन एक्टिविटी। एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ऑल इन आवर लास्ट सेशन, बिकॉज़ इन आवर लास्ट सेशन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट टुडे वी विल बी हैविंग अ लिसनिंग एक्टिविटी। दैट मींस वी विल बी कंप्लीटिंग द लिसनिंग सेक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 6। ओके, so first of all you all need yes, sir. pencil and the notebook, because today I am going to speak some of the words where you have to find out that where you have to find out that diphthong. Let me open this section. Speaking, already we have done this speaking junction, na? After the speaking junction there is a listening junction. What we have to do here? Here I would be speaking some of the words with diphthongs. You have to listen to each word and write another word with the same diphthong form. Okay. But I would be reading some of the words with diphthongs. You all need to listen each diphthongs and write the another words with the same diphthong sound. अब diphthongs क्या होता है ये तो मैंने बता दिया आप सबको, already बता दिया गया है क्या होते हैं। What are the so when two sounds meet to make one sound is called diphthong. क्या होता है बेटा अविरल? Sir, when two sound meets then called diphthongs. एक बार फिर से महक, एक बार फिर से बताइए, अविरल को नहीं समझ में आया। When two sounds meet to make one sound is called diphthong. जब दो sounds, दो different sounds, हर letter का अपना sounds होता है ना, जब वो दो yes, अलग sir. अलग sound yes, एक साथ मिल करके, यानी जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग साउंड मिल करके सिर्फ एक साउंड बनाए, दैट इज कॉल्ड द डिफ्थोंग्स। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्रामर जंक्शन ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, नॉट इन द ग्रामर, इन द वोकैबुलरी सेक्शन। नाइट, IGH, IGH इज मेकिंग अ सिंगल साउंड्स आई एन से ना टी से टा, बट ये नाइट आई जो आया स्कॉर्पियन। Rain, ये rain A and I both are making a single sounds A, थोड़ा सा A और I को A पे ही थोड़ा सा बाद में emphasize किया जा। Rain, around, shadows, these are the तो O W, यहाँ पे O का अलग sound है, W का अलग sound है, but O W दोनों मिल करके आपको O sound बना रहे हैं, that is a diphthongs। समझ में आया ना? Yes sir. Now you all have to do the activity. Now I'm going to read some of the words. Okay, you all need to write the another words with the same diphthong sounds. So the first word is late. Kya hai? Late. L-A-T-E, late. You all need to write the same diphthong sound. You have to write the another words having the same diphthong. अब इसमें late में कौन से दो अलग अलग sounds मिलकर के एक single sounds बना रहे हैं? Same वही letters आपका, same वही sound आपका दूसरे words में भी बना रहे हैं। You have to write the words like that. बनाना क्या बताइए, लिखिए क्या, जस्ट आप लोग बता सकते हैं। जब दो ही बच्चे हैं आज, तो आप दोनों में से कोई भी बताइए, कौन बताएगा? सर आई लाइक बेक। क्या होगा बेटा? सर बेक। वेक। सर बेक। आप भी बताएंगे कोई वर्ड्स? गेट हो सकता है, गेट, लेट, मेनी सॉन्ग, मेनी वर्ड्स आर देयर। अच्छा, इसमें कौन कौन से दो अलग अलग लेटर, दो अलग अलग साउंड्स मिलकर के एक साउंड बना रहे हैं?
सर के और ई सर के का साउंड निकाल किसमें किसमें बेटा मैंने बोला है वर्ड लेट है लेट में कौन से दो ऐसे साउंड्स हैं जिनको मिलाकर के एक सिंगल साउंड निकलना बनाया गया है सर कौन कौन से डिफोंस हैं सर टी और ई टी और ई लेट के बजाय अगर बेक बोल दिया तो बी ए के ई तो क्या वो डिफोंस नहीं होगा Yes, sir. A और E yes, दोनों मिलकर के सिंगल साउंड निकाल रहे हैं समझ में आया Yes, sir. इसी तरीके से आप लेट को ही आप कहीं ना कहीं रेयर भी बोल सकते हैं रेयर इज ऑल्सो द हैविंग द सेम डिफरेंट साउंड्स इन रेयर ओके यस सर नाउ द नेक्स्ट वन इज द ब्राइट ब्राइट का क्या होगा Bright. Tell me another words having the same diphthong sound as bright. उसमें कपड़े नहीं पहने थे क्या जो आप गायब हो गए अरुण? आपने वीडियो बंद करके क्लास लेना शुरू किया था कहाँ पे खेल रहे थे? What were doing? मैं वीडियो ऑन करने के लिए बोला तुरंत गायब हो गया 10 मिनट के लिए. वे स्वेटर वेटर पहन के आकर के बैठे हैं पता नहीं कहाँ उस समय क्लास कर रहे थे. वो हो चुका है बैठ के कथा सुनो अब जो होना था 10 मिनट में ऑलरेडी बताया जा चुका है बच्चों को व्हाट आई एम गोइंग टू डू क्या हम कर रहे हैं सुनो कथा कहानी बैठ के कथा ही सुनने आते हो ना कथा सुनो हाँ बेटा आप लोग लगिए आप लोग बताइए टेल मी द अनदर वर्ड्स हैविंग डिफ्थोंग हैविंग सेम डिफ्थोंग साउंड्स एज ब्राइट ब्राइट का डिफ्थोंग सिमिलर डिफ्थोंग साउंड्स इसी तरीके से एक और कोई वर्ड्स ले लेते हैं हाउ एच ओ डब्ल्यू हाउ हाउ आर यू अरुण गुप्ता बेटा आपको भी अब ध्यान से एक बार सुन लो डिफ्थोंग साउंड मैंने पढ़ाया था क्या होते हैं डिफ्थोंग्स सर जिसके सर दो वर्डों के साउंड एक तरह होते हैं दो वर्ड नहीं दो लेटर यानी दो अलग अलग साउंड्स मिलकर के जब सिंगल साउंड्स बना रहे हैं लेटर का भी नहीं आप बोलिए अलग अलग ऐसे बोलिए कि दो अलग अलग साउंड मिलकर के जब एक साउंड बनाए जैसे आ और ए आ ए दोनों को मिक्स करें तो क्या होगा ए यानी दो लेटर हर लेटर के अपने साउंड्स हैं दो अलग अलग लेटर के दो अलग अलग साउंड्स होंगे तो वो दोनों मिलकर के जब आपका सिंगल साउंड्स निकाल रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्थोंग्स तो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसमें आपको डिफ्थोंग्स पहचानना है और सेम उसी तरीके से एक वर्ड वही सेम डिफ्थोंग साउंड्स आपको वाला कोई दूसरा वर्ड बताना है तो अभी मैंने बोला हाउ हाउ का क्या होगा यू हैव टू दिस अनदर वर्ड्स हैविंग सिमिलर डिफ्थोंग साउंड्स अविरल महक अरुण गुप्ता कोई भी बताइए N or W now very good Abhiral Arun आप दोनों की बारी ऐसे बैठ कर क्या होगा सर रो L O W लो सर R O W R O W लेकिन बेटा इसमें तो डिफरेंट साउंड आ रहा है R O W रो and C O W cow cow यहाँ पे आउ वाले लास्ट में साउंड आ रहा है ना तो फिर ये तो सिमिलर डिफ्थोंग्स तो मैंने यहाँ पे मैं स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड्स तो साउंड्स से पहचानिए स्पेलिंग देख करके अगर आप पढ़ेंगे तब तो हो चुका आप साउंड्स से जब आपका डिफ्थोंग्स किससे रिलेटेड है स्पेलिंग से रिलेटेड है या साउंड से रिलेटेड है क्यों सर साउंड तो आपको सिमिलर साउंड्स देखनी है स्पेलिंग नहीं देखना है साउंड तो क्या होगा हाउ का क्या होगा हो तो बोलते नहीं है कि उसको लो बोल दें क्या होगा एच ओ डब्ल्यू का यस सो अविरल बताइए नाउ अविरल की आवाज नहीं आ रही है माइक निकाल के ईयरफोन निकाल दीजिए ऑटोमेटिकली आवाज आएगी
ईयरफोन मोबाइल में से निकालिए, तो आएगी आवाज, आप बोलिए। हाँ अविरल की आवाज अभी भी नहीं आ रही है, अब सुनो राम कहानी, अभी तक आ रही थी, क्या हो गया भगवान जाने। चलिए काऊ, हाँ काऊ, काऊ नाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, नाउ लिसन द अनदर वर्ड, लिसन द अनदर वर्ड्स, रेयर आर ए आर ई, आर ए आर ई, सर केयर, क्या होगा बेटा द केयर, वेरी गुड, फियर एफ ई एफ ई ए आर, फियर, फियर का डिफ्थोंग्स क्या होगा, टेल मी द अनदर वर्ड्स हैविंग द सेम डिफ्थोंग्स, सर बियर, बियर वेरी गुड, रेयर का फियर का बियर, वेरी गुड, पुअर पी ओ ए आर, ओ और ए डिफ्थोंग्स हैं, ओ ए मिलके एक सिंगल साउंड बना रहे हैं, तो पुअर का एक दूसरा डिफ्थोंग साउंड क्या होगा, मतलब सिमिलर उसी तरीके का ऐसा कोई दूसरा वर्ड बताना है जिसमें सेम डिफ्थोंग साउंड हो, बताइए पुअर, कोशिश करिए बेटा, कोशिश करिए, किसी को नहीं आ रहा है, पुअर का क्या हो सकता है, क्यों महक, कोशिश करिए एक बार सोचिए, थोड़ा सा टफ है, अविरल लिख करके भेज दीजिए, फर्जी में आप बोले जा रहे हो, जानबूझ के अपना माइक आपने बंद कर दिया, अगर आपको आता है तो लिख करके भेज दीजिए, माइक बंद नहीं है, आवाज आने लगी, बताइए बोलिए रोड, नो सर क्या होगा, सर लोड नोट एन ओ टी नोट, सर लोड एल ओ ए डी लोड, यस सर, पुअर का लोड होगा, ओ और ए पुअर हुआ, लो नहीं ये तो कुछ और लग रहा है, कुछ और सोचना पड़ेगा बेटा, कुछ और दूसरा वर्ड ट्राई करो, ओ ए मिलके ओ का साउंड निकाल रहे हैं लोड, बट यहाँ पे ये पोर नहीं है, इट्स नॉट अ पोर, ओ का साउंड नहीं है, ओ का साउंड है, दो अलग साउंड्स हैं, तो यू हैव टू टेल मी द अनदर वर्ड्स हैविंग द सेम डिफ्थोंग साउंड्स, पोर का दूसरा डिफ्थोंग साउंड्स क्या होगा, महक बताइए, नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ा मुश्किल है, हाँ बेटा नाउ आई एम ऑडिबल, सिद्धार्थी अभी अभी जुड़े हैं, क्या करने बेटा जुड़े हैं, टोस्ट लेके आ रहा है विरल, सिद्धार्थी बेटा क्या है, गुड बाय, गुड बाय कहने का समय आ गया, क्लास खत्म 3:21, एक बार गुड बाय सबको बोल दो, एक गुड बाय बोलने आए हैं इतनी देर बाद, माइक ऑन करिए तुरंत, क्या करने आए हैं आप, भूल गए थे बेटा, गुड बाय बेटा, आप सभी लोगों ने, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कबीरल सब तो हो गया, डिफ्थोंग साउंड्स के अनदर वर्ड्स बताने थे, ऑलरेडी यू हैव टोल्ड, आप लोगों ने सबसे लास्ट साउंड मैंने पूछा था, लास्ट वर्ड मैंने बोला था, लास्ट वर्ड क्या बोला था, पुअर, इसका रोर भी हो सकता है, पी डबल ओ आर, पुअर है, पी डबल डबल ओ है या ए है, क्या लिखा है, आई हैव टू लुक इनटू दैट बिकॉज इट्स नॉट क्लियर, एक्चुअली जो आपका लिखा हुआ है इट्स पी डब्ल्यू आर, पुअर ही है,
पुअर में क्या होगा, पी डब्लो आर पुअर, पुअर का डिफंक्ट साउंड क्या होगा, महक। कोशिश करिए लिख के भेजिए विरल। नो आई एम नॉट गेटिंग। लोड टोस्ट दोनों गलत है, लोड और टोस्ट दोनों गलत है, पी डब्लो आर पुअर, बूट पुअर। बेटा बूट में डबल ओ साउंड आ रहा है लेकिन डबल ओ का मिलकर के ऊ बड़ा ऊ की साउंड निकाल रहे हैं, बट पुअर में क्या ओ और डबल जो पुअर है ना वो पुअर नहीं होता है, पुअर यानी दो। बूट में जो डबल ओ दूसरा साउंड निकाल रहे हैं लेकिन पुअर में जो डबल ओ है वो दूसरा साउंड निकाल रहे हैं। तो यू हैव टू फाइंड द अनदर वर्ड्स द सेम स्पेलिंग में, सिमिलर साउंड की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिमिलर स्पेलिंग। कुछ और कोशिश करिए, क्या डोर हो सकता है? Yes sir. It may be, थोड़ा सा exactly नहीं लेकिन yes. कह सकते हैं। बेटा that's all, that's all. I hope that everybody understood the diphthongs कि what are diphthongs। अभी उसमें listening activity भी कराया गया, vocabulary भी आपको उसी पे based रहा। तो कभी भी diphthongs के बारे में अगर कोई बोलेगा, कोई पूछेगा, तो I hope everybody can, मतलब you all can tell about the diphthongs, the diphthongs होते क्या हैं, और कुछ आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कर पाएंगे ना? Yes sir. That's all. Yes sir. Only comprehension junction is remaining. ये और भी कुछ बचा है? No sir. Readers right corner में जो है आपका कुछ knowledgeable चीजें हैं, you all have to read by yourself. उसको आप लोग अपने आप से पढ़िएगा. In case any query या कोई question होगा उससे related, you can ask in the next live class, okay? But in the next live class, yes. I will be moving ahead on the comprehension junction. Comprehension junction उठ चुका है कि नहीं अभी? क्यों महक? No sir. तो बेटा comprehension junction आपको पता है? No sir. Comprehension junction में होना क्या चाहिए? You all should read. You all should go through the passages. जो भी इसमें passage हो या prose या poetry कुछ भी हो. उसके थ्रू आपको जाना है, आपको पढ़ना है, और फिर उसमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। दैट विल शो दैट कि वेदर यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश, वेदर यू ऑल अंडरस्टैंड द पैसेज, पोएट्री, प्रोज, व्हाटएवर इज देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट। इंग्लिश में लिखा हुआ, yes. अगर लिखा हुआ पोएट्री प्रोज, तो क्या आप उसको पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ के समझ पा रहे हैं? ये कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन में चेक किया जाता है। तो आप इसको अपनी मर्जी से करिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर भी आप स्वयं भी लिखिएगा। इन द नेक्स्ट लाइव क्लास मैं सेम वही पैराग्राफ, सेम वही सारे क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले पैराग्राफ को मैं समझाऊंगा, एंड कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन में जो कुछ भी होगा आई विल एक्सप्लेन इन योर ओन, हिंदी में भी समझा दूंगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, एंड ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग द पॉसिबल आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के आंसर को मैं डिस्कस भी करूंगा, सो दैट यू ऑल कैन क्रॉस चेक कि आपने जो आंसर लिखा है, जो आपने समझा है, उसका मतलब क्या बिल्कुल वही है। अगर वही है तो दैट इज वेल, वो आपके लिए अच्छा है। जिनका गलत होगा या कहीं पे मीनिंग नहीं निकाल पाए होंगे, कोई बात नहीं, आप वहां पे रीचेक कर लीजिएगा, धीमे धीमे आप इम्प्रूव कर जाएंगे इस ऐसे में। ओके यस सर। कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन आप सभी को पढ़ के आना है, स्वयं क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके आना है, और सबसे पहली बात टाइम से रहना है। सिद्धार्थी आधा घंटा बाद गुड बाय बोलने मत आया करना, समझ में आया? यस सर। टाइम से आप भूला मत करिए, क्लास क्लास भूल जाते हैं, बताइए ऐसे ऐसे महानुभाव, इनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब क्या दिखाता है ये स्टेटमेंट, ये आपका रिप्लाई कि सर भूल गए थे, क्लास ही भूल गए थे, मैं भूल जाऊं तो? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय एवरीवन, सर गुड बाय।